आज आप सुनेंगे सुनीता सिंह की कहानी कान की मशीन। कैप्टन मदान का ट्रांसफर इलाहाबाद हो गया था। क्वार्टर में फिलहाल कोई जगह नहीं थी, फिर उन्हें किराए का क्वार्टर ढूंढना पड़ा। कमरा उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, कोई कमरा छोटा था तो किसी का किराया ज़्यादा। कहने का मतलब, किराया ठीक होता तो कमरा छोटा होता, और कमरा ठीक होता तो किराया बड़ा होता। ऐसा कोई मकान मिले कि इंस्पेक्टर साहब आराम से अपनी पत्नी और 4 साल की प्यारी सी बेटी मेघना के साथ आराम से रह सकें। फिर एक दिन किसी साथी ने उन्हें बाबा जी के घर का पता बता दिया। कहा कि उनका बड़ा अच्छा घर है, शायद कोई कमरा अच्छा से मिल जाए। फैमिली वाले लोग हैं, अच्छा बात व्यवहार है, देखने में क्या हर्ज। मदान साहब बाबा जी के घर पहुँचे। मदान साहब को कमरा और बाबूजी और किराया सब कुछ ठीक ठाक अच्छा लगा, और कुछ दिनों में वे बाबा जी के कमरे में शिफ्ट हो गए। यहाँ पर परिवार जैसा माहौल था, और मदान साहब यहाँ पर अपने फैमिली को सुरक्षित छोड़कर आराम से अपनी ड्यूटी कर सकते थे। यहाँ बाबा जी की 2 बेटे और बहू और 2 बेटियों का भरा पूरा परिवार था। आज्ञाकारी बेटे बाबा जी को बहुत सम्मान देते थे। सम्मान देने वाली बहुएं थीं। इधर बड़ी बहू के 2 बच्चे थे, छोटी बहू तो बस अभी साल भर पहले आई। बाबा जी रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने फंड के पैसे से एक बड़ा सा घर बनाया है। बाबा जी ने अपने सारे पैसे बच्चों की पढ़ाई में, शादी ब्याह आदि में खर्च कर चुके हैं, और बस अब बस उनका एक मास सहारा बस पेंशन। बेटे दोनों सेटल हो चुके हैं, बेटियों का ब्याह हो चुका है, सब अपने में खुश हैं। सब मिलाकर एक खुशहाल परिवार है। इधर इंस्पेक्टर साहब के घर पर आ जाने से कुछ और रौनक बढ़ गई है। मेघना को भी दादी बाबा मिल गए हैं। वो दिन भर उन्हीं के साथ बनी रहती थी। ने भी इधर बाबा जी की बड़ी बहू को बड़ी मम्मी और छोटी बहू को चाची मान लिया था, और पूरे परिवार में उनकी खूब घुल मिल गई थी। पूरे परिवार में मेघना खूब घुल मिल गई थी। वे पूरे घर में इधर उधर फुदकती रहती, कभी बड़ी बहू के 2 बच्चों के साथ खेलती तो कभी लड़ती झगड़ती। कुछ दिनों तक अच्छा चलता रहा, और कुछ दिनों तक बढ़िया चला, पर कहते हैं ना, अच्छे दिन ज़्यादा दिन नहीं चलते। और फिर इधर डेंगू का बुखार फैला, और जाने कैसे उसकी चपेट में आकर दादी जी चल उठी। अब बाबा जी अकेले रह गए कि बाबा जी और ज़्यादा बूढ़े और कमज़ोर हो चले थे। इस उम्र में आता ही है कि आज नहीं तो कल जाना ही है, पर इसको अपने ऊपर कभी नहीं मानता। बाबा जी के लिए इस उम्र में दादी जी का जाना एक बड़े सदमे की तरह था। बेटी बहू ने बहुत ढांढस बंधाया, पर नहीं बनी। उनका ध्यान रखा गया, समय पर खाना नाश्ता दूध फल दवा जो शादी मिलता था, पर इस उम्र के पड़ाव में साथी का छूटना सब कुछ लुट जाता है। अब बाबा जी ने बाहर आना जाना बंद कर दिया, बस घर पर यूं ही इधर उधर घूमते रहते थोड़ा बहुत, और फिर बिस्तर पर लेट जाते। मेघना को भी दादी का जाना खल रहा था। दादी उसे मेघना ना कहती, वह तो उसे रनो रानी कहती थी। बाबा जी उसे रनो रानी ही कहकर बुलाते थे। बाबा जी उसे रनो रानी कहकर ही बुलाते थे। अब फिर धीरे धीरे समय के पंख के अनुसार परिस्थितियां भी बदल गई। दादी बाबा जी के जरूरतों का ध्यान रखती थी। वो उनके ATM से कभी बहुओं के साथ तो कभी बेटों के साथ जाकर पैसा निकालती थी, और बाबा जी का ख्याल रखती थी। वैसे भी बाबा जी को अपने पास पैसे जोड़कर रखने का कोई शौक नहीं था। वो हमेशा परिवार की खुशियां चाहते थे,
अतः अब दादी के बाद एटीएम बड़ी बहू को हाथ में सौंप दिया गया। बड़ी बहू ने कुछ दिन तक तो कुछ सामान्य रूप से होने दिया, पर कुछ दिनों के बाद बाबा जी के लिए फल और दूध धीरे धीरे कम होने लगा और धीरे धीरे सब कुछ बंद हो गया। अब यहाँ तक कि अब खाना और नाश्ता भी समय पर नहीं मिलता था, पर बाबा जी कभी कुछ नहीं शिकायत करते थे, किसी से न कहते थे, जो कुछ मिलता चुपचाप खा लिया करते थे और चुपचाप पड़े रहते थे। घर के बाकी लोग भी धीरे धीरे बाबा जी से मिलना जुलना बंद कर दिया। बड़ा बेटा है, कभी छोटा बेटा उनसे कभी कभार अपनी औपचारिकता पूरा कर लिया करते। अब जो उनके दोनों बच्चे जो हमेशा बाबा दादी को घेरे रहते थे, वो भी मिलना जुलना बंद कर दिए थे, या शायद ही बाबा जी के कमरे में जाते थे। एक रन्नो रानी थी जो अक्सर हमेशा बाबा जी के मिलती थी। बाबा जी उसे देखकर हल्की सी कभी बड़ी मुस्कान से उसका जवाब देते थे। इन 4-5 सालों में मेघना की दोस्ती बाबा जी के साथ अच्छी खासी हो गई थी। वह अक्सर स्कूल से लौटते समय बाबा जी के लिए टॉफी लाया करते थे। अब बाबा जी भी हल्की मुस्कान के साथ उसकी टॉफी बड़े प्रेम से ले लिया करते थे। इधर बाबा जी के खाने पीने में बहू के लापरवाही के कारण बाबा जी काफ़ी कमजोर हो गए थे। एक दिन उनकी बड़ी बेटी उसको देखने आई तो बाबा जी ने कहा, चलो कुछ दिन उसके साथ चलकर रहा जाए। ऐसे अच्छा इच्छा जाहिर की। बहुओं ने भी चैन की सांस ली, चलो बुढ़ा कुछ दिनों के लिए टला तो। पर उधर बेटी अपना छोटा सा घर का बहाना बनाकर मना कर दिया और वापस चली गई। अब बाबा जी की बेकदरी और बढ़ गई। दवा तो क्या, खाना भी समय पर मिलना बंद हो गया। धीरे धीरे बाबा जी बेबस, लाचार और बूढ़े हो गए। इन्हीं सब के चलते उन्हें ठीक से सुनाई और दिखाई देना भी बंद हो गया। रनो रानी यह सब देखती तो उसे बड़ा ही अजीब सा लगता। बाबा जी भी उसके आने से खुश तो होते, टॉफी भी खाते, पर उसका जवाब ठीक से नहीं दे पाते। इधर रनु नानी ने बताया कि बाबा जी किसी बात का उसका जवाब ही नहीं देते ठीक से। तो मेघना की माँ ने मेघना को समझाया कि बेटा बूढ़े लोगों को ठीक से सुनाई नहीं देता, इसलिए वो तुम्हारी बात ठीक से सुन नहीं पाते और उसका जवाब नहीं दे पाते। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें ठीक से सुनाई और दिखाई देना धीरे धीरे बंद हो जाता। तो बाबा जी, मेघना ने कहा, तो बाबा जी मेरी बात कैसे सुनेंगे। मेघना को माँ ने समझ बताया, बेटा एक कान की मशीन आती है, उस कान में लगाने से सब कुछ ठीक तरीके से सुनाई देने लगता है। तब से मेघना के दिमाग में ये बात बैठ गई। मेघना वो कान की मशीन के बारे में सोचने लगी। इसी बीच मेघना के मामा मामी इलाहाबाद घूमने आए और मेघना को अपने साथ मेला घुमाने ले गए। अचानक ही मेघना की नज़र उस दुकान पर पड़ी जो कान में लगाने की मशीन बेच रहा था चिल्ला चिल्ला कर। मेघना ने मामा जी से पूछा, ये क्या बेच रहा है। मेघना के मामा जी ने मेघना को बताया कि ये कान की मशीन बेच रहा है, जिसे कम सुनाई देता है उसे कान में लगा लेता है ठीक, और उससे ऐसा करने से कान में लगाने से ठीक सुनाई देगा। अब मेघना की आंखों में चमक आ गई। बस उसे तो एक बड़े काम की मशीन मिल गई थी और उसने मामा जी को इससे जिद कर ली, वो तो बस एक मशीन को ही लेगी। मामा जी ने बहुत समझाया पर मेघना की जिद के आगे मामा जी को कान की मशीन दिलानी ही पड़ी।
वो बहुत खुश थी, जल्दी से घर आई मामा जी के साथ, सब ने अच्छे से खाना खाया। पर मेघना, मेघना को तो बस बाबा जी को कान की मशीन देना था ताकि वो अच्छे से सुन सके। तो माँ ने कहा, बेटी सुबह दे देना। पर फिर क्या था, पन महसूस कर सो तो गई, पर उसे नींद कहाँ थी, वो तो बस बाबा जी के कान की मशीन देना चाहती थी। वह बाबा जी को मशीन देना चाहती थी और उनसे ढेर सारी बातें करना चाहती थी। और सुबह होते ही बाबा जी के कमरे में थी, उसने बाबा जी कान में मशीन लगाई और बाबा जी उससे, और बाबा जी को सुनाई भी देने लगा। उन्होंने रन्नो रानी से ढेर सारी बातें की, फिर खुश होकर रन्नो रानी अपने घर आ गई। इस मशीन से बाबा जी के सुनने के सुनाई देने लगा। इधर बाबा जी को जोर से भूख लगी थी, सोचा खुद किचन में जाकर खाना मान लूंगा, लगता बहुए नाश्ता देना भूल गई होगी। बाबा जी को लड़के के सामने के कमरे से होकर गुजरे। इस बीच बड़े बेटे के कमरे से आवाज आई कि बुड्ढा मरे तो पीछा छूटे, हम लोग चैन से जिए। छोटा बेटा भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। उसने कहा कि उनके कमरे का किराया भी हमको मिल जाएगा, कम से कम 5-6 हज़ार तो मिल ही जाएगा। बाबा जी को सब सुनाई दे रहा था पर वो चुपचाप आगे बढ़े। तो बहू कमरे से आवाज आ रही थी, लो 4-5 मिनट क्या देर हो गई, बुड्ढा ठूसने के लिए यहाँ चला आ रहा है। बाबा जी से और न सुना गया और वह चुपचाप उल्टे पांव अपने कमरे में चले गए। मशीन कान से निकाल कर उसके 2 टुकड़े कर दिए, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसी समय रन्नो रानी भी वहां पहुंची और मशीन के 2 टुकड़े देखकर वह अवाक रह गई, बाबा जी को देखने लगी। बाबा जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। रन्नो रानी बोली, आप रोइए नहीं, हमको कोई बात नहीं, हम आपके लिए दूसरी मशीन ला देंगे, के पास ढेर सारी मशीन है। हाँ हमने देखा है, बाबा जी ने भी सुना। बाबा जी बिना सुने ही उसकी बातों को समझ गए। वो बोले, बेटी आप बूढ़े लोग को ज़्यादा ना सुनना पड़े कि उन, इसलिए भगवान ने उनकी सुनने की क्षमता कम कर देते हैं। अब मुझे किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत प्यारी गुड़िया हो, तुम्हें भगवान हमेशा खुश रखे, मुझे तो बस उसके बुलावे का इंतजार है। ये थी कहानी सुनीता सिंह की, बाबा जी की कांड की मशीन।